द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरी दुनिया के देश। पारिभाषिक शब्द द थर्ड वर्ल्ड कंट्री की उत्पत्ति शीत युद्ध के समय उन देशों को संबोधित करने के लिए हुई थी जो ना तो पश्चिमी देशों के साथ ना ही कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ गठबंधन में थे। भारत ऐसा ही एक देश था। यहाँ केजीबी का चित्त और सक्रियता सर्वाधिक थी। उस समय भारत को इंपीरियलिस्ट पपेट अर्थात साम्राज्यवादी कठपुतली की संज्ञा दी गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात पर लेश मात्र भी संदेह नहीं करते कि सोवियत क्रांति ने अत्याधुनिक मानव समाज के सहयोग से जो द्वीप प्रज्वलित किया उसकी ज्वाला कभी मंद होगी। इस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई को मॉस्को की ओर से किए गए गुप्त पत्राचार नई दिल्ली में आईबी द्वारा लगातार इंटरसेप्ट किए गए। आईबी हेड बीएन मलिक के अनुसार 1950 तक सीपीआई को आने वाले संदेशों में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के आवश्यक और महत्वपूर्ण पात्रता के विषय में उल्लेख होता था। साथ ही उसमें प्रतिक्रियावादी नेहरू सरकार को उखाड़ फेंकने के निर्देश भी दिए जाते थे। 1951 के प्रारंभ में बीएन मलिक ने नवीनतम संदेशों को जवाहरलाल नेहरू को दिखाया, जिसमें सीपीआई से मॉस्को द्वारा आग्रह किया जाता है कि वे सरकार की बातों में ना आ जाएं। उस रिपोर्ट को देखकर नेहरू हंसते हुए कहते हैं, संभवतः मॉस्को नहीं जानता कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी चतुर है। नेहरू और आईबी दोनों ही इस बात से अनजान थे कि केजीबी ने मॉस्को स्थित भारतीय एम्बेसी में हनी ट्रैप का प्रयोग करके पूर्णतया सेंध लगा ली थी। आईबी और भारतीय एम्बेसी के अधिकारी अब केजीबी के लिए काम करने लगे थे। उनसे मिली सूचनाओं के आधार पर 60 का दशक आते आते केजीबी ने भारत में अपनी जड़ें जमा ली थी और पूरी सक्रियता के साथ अपने मिशन एग्जीक्यूट कर रही थी। इसी बीच मॉस्को का रुझान जवाहरलाल नेहरू की ओर बढ़ने लगा, जो भारत सोवियत संबंधों के नए युग का प्रारंभ करने वाला है। पॉडकास्ट की इस सीरीज में आने वाले एपिसोड और भी रोमांचक होने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को अभिषेक त्यागी का धन्यवाद।